हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। और प्रभु से भी मेरी यही प्रार्थना है और रहेगी कि आप सभी लोग अच्छे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने क्षेत्र की सभी ऊर्जावान युवा शक्तियों का, मातृशक्ति का, सभी सामाजिक कार्यकर्ता का, जितनों ने भी यह जिम्मा उठाया उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई और लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि वह यह कार्य करें, और आप सभी लोगों की मेहनत रंग लाई। आपके कारण गांव का युवा, बच्चा, बूढ़ा, चाहे वो किसी भी उम्र का है, हर कोई अपना योगदान इस बड़े सांस्कृतिक महोत्सव की ओर दे रहा है। मैं सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ा जिम्मा है। हम हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से योगदान दे, और यह एक यादगार कृषि महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे, हमें इस ओर ध्यान देना होगा। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने समस्त गेवार घाटी के लोगों के द्वारा जो उनको निमंत्रण दिया और उन्होंने वह यह निमंत्रण को स्वीकारा, यह हम सभी के लिए गर्व की बात है और पूरी गेवार घाटी को उनका इंतजार रहेगा। और मैं अपनी ब्लॉक प्रमुखा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके बिना यह कार्य असंभव था, आपका योगदान बहुमूल्य है। मैं श्रीमती किरण बिज जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, श्रीमान सुरेंद्र सिंह संगेला जी को, श्रीमान गजेंद्र सिंह नेगी जी को, श्रीमान हीरा सिंह बिज जी को, श्रीमान प्रकाश सिंह रावत जी को, श्रीमान धीरन सिंह नेगी जी को और श्रीमान कुलदीप जी को। आप सभी लोगों का योगदान आउट ऑफ मीन्स क्या कहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब इसका कोई काउंट ही नहीं है। और सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो इस मेले के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यदि मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सभी लोगों के एफर्ट्स हैं, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति इतने बड़े महोत्सव को नहीं कर सकता। मतलब अगर हम अपने घर में भी कोई प्रोग्राम करें, पूजा पाठ जो भी चीज़ है, अकेले नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी हो, पूरी गेवार घाटी, एक एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक, माता से लेके बहन तक, सभी का योगदान है। और दोस्तों, कृषि महोत्सव की बात हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात हो, और हम भूल जाएं कि हम अपने सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, हमारे लोक गायक हैं, उनका नाम ना लें, तो इस सांस्कृतिक महोत्सव में हमारे बहुत से लोक गायक और हास्य कलाकार भी आ रहे हैं। रमेश गोस्वामी जी आ रहे हैं, गणेश भट्ट जी आ रहे हैं, राकेश जी आ रहे हैं, बिशन सिंह जी आ रहे हैं। इन सभी लोगों का हमारी गेवार घाटी में स्वागत है। हम आपके गानों में थरकना चाहते हैं, आपके जो गाने हैं मंत्रमुग्ध कर देती हैं हमारी वादियाँ, आपके गानों में मतलब एक तरीके से अलग एनर्जी सी फील करेंगे, क्योंकि आपके गाने हम सुनते हैं, हम आपके गानों पे नाचते भी हैं, आपके गानों पे हम YouTube वीडियो भी बनाते हैं, आपके गानों पे हम बहुत कुछ करते हैं। और हम सभी क्षेत्रवासियों का सौभाग्य होगा कि आप सभी लोगों को हम लाइव देखेंगे, आपकी लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो मतलब कुछ सीखना चाहेंगे वह आपसे सीख सकते हैं। आपको लाइव देखेंगे तो उनका थोड़ा एक्सपीरियंस गेन होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र को मतलब जब आएंगे तो हमारे क्षेत्र के कलाकार जो हैं या जिनके अंदर कलाकारी है, उनको निखारने के लिए भी आप हमारे लोगों की सहायता करेंगे, हमारे बच्चों का सपना बनाने के लिए, हमारे बच्चों को एक सपनों की उड़ान देने के लिए आप एक भूमिका निभाएंगे, ऐसी मुझे आप सभी लोगों से उम्मीद है। और हम और हमारा पूरा गेवाड़ घाटी आपका इंतज़ार करेगा और आपका स्वागत भी करता है। और अंत में मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाई लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप लोग जो एफर्ट्स कर रहे हो इसको कोई बोल नहीं सकता, इसको केवल फील किया जा सकता है जो मैं फील कर रहा हूँ। और बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि पहाड़ में
अचानक मौसम परिवर्तन हो रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कहीं बर्फीली हवा चल रही है, एकदम से धूप आ रही है। आप लोग अपने सेहत का भी ध्यान रखिएगा, आपकी सेहत भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका स्वस्थ रहना, आप इसी तरीके से कार्य करते रहें, इसी तरीके से मेहनत करते रहें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये जो गेवाड़ कृषि महोत्सव है, ये सबसे सफल और सबसे सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तराखंड में। और माता भगवती भैरवनाथ स्वामी कृपा बनाए रखें, पूरा कार्यक्रम अच्छे से निपट जाए, और इंद्र देवता जी से भी हमें आशीर्वाद की उम्मीद रहेगी कि 3 दिन वह बारिश ना करें, क्योंकि कहते हैं मित्रों कि पहाड़ी क्षेत्र में मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश, कब तूफान, कब बर्फबारी, कब गर्मी, कब सर्दी, कब सूखा। तो इंद्रदेव जी, यदि आपकी भी कृपा रही तो हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, हमें आपके आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि यदि मेरे द्वारा कोई गलत शब्दों का उच्चारण हो गया हो, या फिर कुछ ऐसे अज्ञानतावश गलत शब्द निकल गए हों जो कि किसी को आहत कर सकते हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को हर्ट करना, और यदि मेरे मित्रों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़ों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में और अपने सांस्कृतिक धरोहर के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देता रहूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। और नए साल से मैंने भी यह मतलब सोचा है, और मैंने 1 तारीख से मतलब एक्टिविटी स्टार्ट की है कि क्यों ना मैं अपने सांस्कृतिक धरोहर को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को अपने माध्यम से आगे दिखा सकूं और आप लोगों तक ला सकूं जो दूर हैं या जिनको पता नहीं है। हालांकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे भी सब कुछ पता नहीं, फिर भी कोशिश रहेगी, एक पहल रहेगी, एक शुरुआत रहेगी। आप सभी मित्रों का सहयोग चाहिए, सहयोग बनाए रखने हैं, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।